हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तेरी मेरी डोनी की आने वाली कहानी के बारे में। आने वाली कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अंगद जिस तरीके से इस समय कीरत के बस में है, तो क्या है जानकारी इस वीडियो में, संपूर्ण जानकारी आपसे निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि साहिबा और अंगद का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद अंगद पूरी तरीके से गायब है। क्योंकि वहाँ पर जब अंगद गायब हुआ था तो साहिबा उस समय बेहोश थी, और साहिबा होश में आती तो अंगद को अपने पास नहीं पाती। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अंगद इस समय सीरत के पास है, सीरत उसको अपने पास रखी है और अंगद को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और फिलहाल सीरत अंगद को पूरी तरीके से बदलना चाहती है, क्योंकि सीरत तो पहले से ही अंगद से शादी करना चाहती थी। लेकिन सीरत ने अंगद को जो बातें बताई कि साहिबा उसको छोड़ के वहाँ से भाग गई थी, लेकिन सच तो यह है कि साहिबा को खुद से चोट लगा था। अब दिक्कत यह है कि सीरत फिर से अंगद को पूरी तरीके से बदलना चाहती है और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करना चाहती है, जिसकी वजह से अंगद तो भागना चाहता है लेकिन वह भाग नहीं सकता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है और वह चलने की स्थिति में नहीं है। उधर साहिबा और पूरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर अंगद किस स्थिति में होगा और कहाँ पे होगा। कई जगह से गाड़ी के निशान जब वहाँ पे अच्छे तरीके से चेक की जाते हैं, तो साहिबा फिलहाल अंगद को ढूंढने के लिए ही निकल चुकी है, क्योंकि वह जैसे जंगल में घुसती है तो उसको सबसे पहले गाड़ी के पहिए के निशान मिलते हैं। लेकिन क्या साहिबा जैसे ही वहाँ पर यह देखती है कि आखिर ये गाड़ी के निशान कहाँ पर जाते हैं, तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। साहिबा का साथ कई सारे लोग देते हैं, पूरी तरीके से पूरा परिवार मिल करके साहिबा के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि उधर सीरत पूरी तरीके से अंगद का प्लास्टिक सर्जरी करने वाली होती है। अब अंगद के प्लास्टिक सर्जरी करने से पहले साहिबा अगर अंगद के पास तो पहुंच गई तो ही ठीक हो पाएगा, नहीं तो 100% है कि अंगद पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि साहिबा को ये चीज़ धीरे धीरे पता चल गई है कि अंगद कहाँ पे है और किस हालत में होगा, क्योंकि जंगल में जब अगर कोई गाड़ी ले जा रही है, इसका मतलब ये सब चीज़ें कोई प्लान के आधारित ही की गई हैं। और उधर सीरत पूरी तरीके से अंगद को बदल चुकी है और वह अपना बनाने के लिए लगी हुई है। साहिबा के प्रति अंगद को पूरी तरीके से भड़का रही है, क्योंकि वह बताती है कि साहिबा तुमको छोड़ गई थी और साहिबा नहीं यह सब कुछ कराया है, लेकिन यह सब चीज़ अंगद मानने को तैयार नहीं है। तो दिक्कत यह होगी कि साहिबा अब अगर आज नहीं पहुंच पाती है तो अंगद पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और उसको प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाएगी। आने वाली स्टोरी इतनी अच्छी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से साहिबा और अंगद एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, तो अगर फाइनली साहिबा अंगद तक पहुँच गई तो ही उसकी जान बच पाएगी, नहीं तो वह पूरी तरीके से सीरत अंगद को बदल देगी। आने वाली कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि साहिबा भी अब खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पर सीरत का साथ भी कई सारे लोग दे रहे हैं जो कि उसको मारने के लिए साहिबा को तैयार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।